Hi guys, welcome back to our channel Doctor's Query. This is Rohit, fourth year student of Cream Federal University and we are back with a new video. तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने बात की थी MBBS इन रशिया के बारे में. हमने डिस्कस किया था वहाँ का स्टडी पैटर्न, वहाँ का ड्यूरेशन, वहाँ का करिकुलम, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ रशिया में होती हैं, कौन सी बायलिंगुअल है और कौन सी फुल इंग्लिश है. तो ये सब हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में. तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है, गो एंड चेक इट आउट. तो गाइस आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे जो भी यूनिवर्सिटीज़ रशिया में हैं, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो स्टेट हो. हम सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बताएंगे, विच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट फॉर यू, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके बजट में हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में. तो बहुत सारी क्वेरीज़ हमें आती हैं रोज़ और बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि एडमिशन कैसे होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या क्या प्रोसीजर है एडमिशन का. तो हमने आज ये वीडियो उसी के लिए बनाई है ताकि हम एक क्लियर और साफ पिक्चर दे सकें स्टूडेंट्स को कि कैसे एडमिशन होता है रशिया में. तो चलिए गाइस बात करते हैं एडमिशन इन रशिया के बारे में. तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो मेन क्राइटेरिया हैं अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं रशिया में. तो पहला क्राइटेरिया है कि आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए. विदाउट नीट आपका एडमिशन रशिया में नहीं हो सकता. तो ये बात का आप ध्यान रखें कि कोई भी अगर आपको बोले कि विदाउट नीट वो आपका एडमिशन करा देगा तो ये बिल्कुल फ्रॉड है, उनके पास बिल्कुल मत जाइए. सेकंड जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया वो ये है कि आपको 12th क्लास में अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के एग्रीगेट मिला के 50% मार्क्स चाहिए होते हैं मिनिमम. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 60% भी होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये 50% भी है. सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर चूजिंग ए यूनिवर्सिटी. तो चलिए बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में. और सबसे पहला स्टेप जो एडमिशन प्रोसेस में होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन. तो रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे? आपको अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो कि हैं 10th और 12th की मार्कशीट और आपका आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट और आपका नीट रिजल्ट, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप हमको स्कैन करके भेजेंगे और फिर हम आपके इंटरेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में इसको अप्लाई कर देंगे. अप्लाई करने के बाद आपको एक एडमिशन लेटर आएगा. एडमिशन लेटर यूजुअली 10 से 15 दिन के अंदर इशू हो जाता है, बट ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. एडमिशन लेटर आने का मतलब है कि आपका जो एडमिशन है वो 30% तक कंफर्म हो चुका है. जब एडमिशन लेटर आ जाएगा उससे कुछ दिनों बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट भी मिल जाएगी और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स अप्लाइड हो जाएंगे. इससे पहले मैं अगले स्टेप पर जाऊँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया में, लोबाचेव्स्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड कबारदिनो बल्गेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स को क्योंकि ये बजट में भी हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है और इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी है. तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाली ये है कि जो इनकी डेडलाइन एडमिशन की वो जुलाई एंड तक ही है. और जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट 2 ईयर से कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो नीट का एग्ज़ाम है वो अपने नॉर्मल टाइम जो कि मई में होता था पहले, वो अब उससे लेट हो रहा है. जैसे लास्ट ईयर वो सितंबर में हुआ था और इस साल वो जुलाई में होने वाला है. तो जिस तरह से वो लेट हो रहा है उसका रिज़ल्ट भी उतना ही लेट आएगा. तो जो ये दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका एडमिशन्स डेडलाइन जो है जुलाई एंड तक है, तो इसमें नीट रिज़ल्ट की बहुत ज़रूरत होती है. ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ नीट रिज़ल्ट के बिना एडमिशन्स एक्सेप्ट नहीं करती हैं. तो अगर आप इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपके पास आपका नीट रिज़ल्ट हो. अगर आपके पास आपके लास्ट ईयर का नीट रिज़ल्ट भी है और आप क्वालिफाइड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. और इन केस आपका नीट क्वालिफाइड नहीं है या फिर आप नीट अपीयरिंग कर रहे हैं फर्स्ट टाइम के लिए और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके साथ आपको 2-3 यूनिवर्सिटीज़ बैकअप में भी रखनी होंगी कि इन केस इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए तो आप इनके अलावा जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपने चूज़ की हैं आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं. तो ये थी एडमिशन के बारे में, इन दो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो कि बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स को. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जानने के लिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट होने के बाद ही अप्लाई होते हैं, जिनमें आपके 7 से 8 हज़ार रुपये लग जाते हैं और उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होते तो इसमें आपका लॉस होता है. तो ये आपको ध्यान में रखना होगा. तो गाइस आपका एडमिशन लेटर आ चुका है और आपका पहला स्टेप कम्प्लीट हो चुका है. अब है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम. तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना कंपलसरी है. रशिया की हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होगा. ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है. अगर आपको कोई ये बोलता है कि विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका एडमिशन हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है. आप प्लीज़ इस ढांचे में मत आइएगा. अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लेवल के बारे में. सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का लेवल होता है रशियन यूनिवर्सिटीज़ में वो बहुत ही बेसिक लेवल का होता है
और अगर आपके 11th और 12th के बेसिक्स क्लियर हैं और आपने नीट के लिए थोड़ा भी प्रिपेयर किया है तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक कज़ान फेडरल, फार ईस्टर्न, कज़ान स्टेट, जहाँ पर जो लेवल है एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो थोड़ा हाई रहता है, तो उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम किस मोड में होगा। सो लास्ट टू ईयर से एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हो रहा है, क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो नीट का एग्ज़ाम था वो लेट हो रहा था और कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से फ़्लाइट्स भी नहीं चल रही थी, तो इसलिए रशियन गवर्नमेंट ने, रशियन जो यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने सारे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में किए थे। इस साल कोई अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि ये ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। सो इन केस ये ऑनलाइन मोड में ही होता है तो आपको इंडिया से ही एग्ज़ाम देना होगा, बट अगर ये ऑफलाइन मोड में हो जाता है तो आपको रशिया जाके एग्ज़ाम देना होगा। सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द सिचुएशंस। चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की ओर। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर आपको कब मिलता है? जब आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वेरीफाई हो जाएंगे और आपका जो नीट रिज़ल्ट है वो पहुंच जाएगा यूनिवर्सिटी के पास, तब आपको इन्विटेशन लेटर इशू होगा। इन्विटेशन लेटर की इम्पॉर्टेंस क्या है? इन्विटेशन लेटर आपको हेल्प करता है वीज़ा असिस्टेंस में। आपका वीज़ा तभी लगेगा जब आपका इन्विटेशन लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से आ जाएगा। सो ये था हमारा थर्ड स्टेप इन्विटेशन लेटर का। सो गाइस, तीन स्टेप आपके क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहला स्टेप था एडमिशन लेटर का, जो कि इशू होता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। उसके लिए आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स, जो कि हैं 10th एंड 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट और आपका नीट रिज़ल्ट, ये आपको स्कैन करके हमें भेजने होंगे, जिसको हम अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी में, और फिर आएगा आपका एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर आने के बाद आपका होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि ऑफलाइन मोड में होगा या ऑनलाइन मोड में इसकी अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है, बट जैसे ही वो क्लैरिटी आ जाती है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आपका आएगा इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर कब आएगा? जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे और आपका नीट का रिजल्ट यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाएगा। इन्विटेशन लेटर इशू होने के बाद ही आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है फोर्थ स्टेप, जो कि है लास्ट स्टेप, और फोर्थ स्टेप हमारा है डिपार्चर टू रशिया। सो गाइस, इन केस अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में ही होता है तो आप डिपार्ट करेंगे यहाँ पर इन वीज़ा लगने के बाद, और आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका रशिया में जाके। सो इन्विटेशन लेटर आपका आ जाता है, फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे थ्रू योर कंसल्टेंसी। सो वीज़ा लगने के बाद आप डिपार्ट करेंगे रशिया के लिए, और दैट विल बी योर लास्ट स्टेप, और यहाँ पर आपका एडमिशन हो चुका है कंप्लीट। तो गाइज, ये था एडमिशन प्रोसीजर, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रशिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के डेडलाइन जुलाई एंड तक है, जैसे कि मैंने बताया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के डेडलाइन अक्टूबर एंड तक है। तो आपको देखना होगा कि जिस भी यूनिवर्सिटी, जो भी आपके इंटरेस्ट में है, आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी डेडलाइन कब तक है। और आने वाली अपनी अगली वीडियोज़ में हम सारी यूनिवर्सिटीज़ को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे और उसमें हम बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन कब तक है, तो उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। Stay tuned to our channel for the upcoming videos, जिसमें आपको बहुत information मिलने वाली है regarding individual universities, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपके बजट में है, कौन सी आप चूज़ कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं। तो एक ट्रांसपेरेंसी आपको मिलेगी, एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर आपको मिलेगी, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल कराए जाएंगे ताकि आप अपने इंटरेस्ट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। All the numbers are given in the description box. You can also leave your comment in the comment section and we will reply you as soon as possible. So guys, stay safe, stay healthy, stay tuned. Subscribe to our channel for more informative videos. Thank you.